भोपाल की लोकायुक्त पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बरेसिया के उप पंजीयक महमूद खान को 35,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। महमूद खान हर रजिस्ट्री करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग पीड़ित पक्ष से कर रहा था। आरोपी उप पंजीयक महमूद खान ने फरियादी सर्विस प्रोवाइडर नीरज साहू से 4 रजिस्ट्री करने के एवज में 40,000 की मांग की थी, जिसके बाद नीरज ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस से की। लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाकर नीरज को रुपए लेकर आरोपी के ऑफिस भेजा और आरोपी को 35,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले फरियादी नीरज साहू ने आरोपी उप पंजीयक की जिला पंजीयक से लिखित में शिकायत की थी, जिसके बाद उप पंजीयक द्वारा फरियादी की आईडी को बंद कर दिया गया था। वही जब भी कोई उप पंजीयक के पास जानकारी लेने जाता या फिर उससे रिश्वत लेने की बात पर बहस करता तो वे हार्ट अटैक का बहाना बनाकर उस व्यक्ति को डरा देता था कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। दिनांक 1 जुलाई को आवेदक नीरज साहू, पिता पोखनलाल साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी बैरसिया, जो कि उप पंजीयक कार्यालय बैरसिया में सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर कार्य करते हैं, इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त को शिकायत की गई थी कि बैरसिया उप पंजीयक कार्यालय में पदस्थ उप पंजीयक श्री महमूद खान के द्वारा प्रत्येक रजिस्ट्री पर बहुत अधिक पैसों की मांग की जाती है। चूँकि आवेदक सर्विस प्रोवाइडर है तो उसकी 4 रजिस्ट्री जो पार्टियों की थी यहाँ पर पेंडिंग थी, उन 4 रजिस्ट्रियों को देने के एवज में श्री महमूद खान के द्वारा 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। दिनांक 1 जुलाई को शिकायत जो उन्होंने की उसका सत्यापन किया गया, सत्यापन पर शिकायत सही पाई गई थी। आज दिनांक 5 जुलाई को महमूद खान उप पंजीयक कार्यालय बैरसिया को 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।